नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी हमारे साथ जफर इस्लाम साहब हैं जो प्रवक्ता तो हैं ही और यूपी से राज्यसभा के सांसद हैं। जुड़ाव हजारीबाग से है चूँकि बचपन उनका यहाँ बीता है। कई सवाल हैं और चूँकि प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय स्तर पर तो सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर से शुरुआत करते हैं। सरकार अफगानिस्तान मामले में किसके साथ है? पुरानी जो सरकार अब नहीं रही लोकतांत्रिक जो चुन कर आई थी उसके साथ, या अभी जो तालिबान के लोग हैं उनके साथ? देखिए, बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है हालात कैसे बन के आएंगे, किस तरह के हालात रहेंगे, दुनिया की ग्लोबल कम्युनिटी किसके साथ सपोर्ट में खड़ी रहती है। पुरानी सरकार ने तो बिल्कुल हाथ अपना खड़ा कर दिया है, वहाँ के लोग भाग चुके हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट वहाँ से निकल चुके हैं। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वहाँ अपने भारत के लोग जो हैं उनको पहले निकाल लें, और जब समान स्थिति हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, सब कुछ साफ हो जाए, तब भारत सरकार अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, जो ग्लोबल कम्युनिटी भी अपने हितों को ध्यान रखते हुए, रशिया जैसी कंट्री जो उसके विरोध में हर वक्त खड़ी रहती थी, आज उसने सपोर्ट किया है। ब्रिटेन ने सपोर्ट किया, US ने सपोर्ट किया, आप देखिए जितनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्री, चाइना ने सपोर्ट किया है। ऐसे में भारत भी अपने हितों का ध्यान रखते हुए जो सही होगा भारत के हित में उसको ध्यान रखते हुए ज़रूर ऐसा फैसला लेगी जिसमें भारत का इंटरेस्ट पूरे तौर से सेफ गार्ड रहे। अभी असमंजस की स्थिति है लेकिन बिल्कुल। अच्छा, एक दूसरा पेगासस वाला ही मामले में जिस तरह से है कि उसने बिना किसी, वो तब तक अपने सॉफ्टवेयर नहीं देती जब तक सरकार नहीं मांगे, तो सरकार ये क्यों नहीं क्लियर कर दी अभी तक कि ये किसने मंगवाया था या उसको पैसा किसने दिया था? देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री का सदन में आ गया स्टेटमेंट कि सरकार ने नहीं खरीदा। विरोध इतना क्यों रहा? हम तो वही कह रहे हैं कि जब सदन पे अश्विनी वैष्णव जी जो IT मंत्री हैं वो आके पढ़ने लगे, वो स्टेटमेंट दे रहे थे, तो स्टेटमेंट फाड़ के फेंक दिया। उससे क्या समझ में आता है कि वो सिर्फ चाहते थे कि सदन ना चले, डिसरप्ट करना चाहते थे, वो कोई ऐसी बात करना नहीं चाहते थे। भाई, अगर आपको आपने कहा कि इसके बारे में बताओ, आके हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट में आपने उसको स्टेटमेंट देने नहीं दिया, फाड़ दिया और डिसरप्ट कर दिया पार्लियामेंट को। सर, डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है राइटिंग में कि हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना यूज़ किया ना खरीदा है। किसी ने तो मंगाया होगा जब ये बात आई है, तो किसी ने तो आखिर वो कौन डिफेंस ने नहीं मंगवाया, सरकार ने नहीं मंगवाया, तो जो उनके गाइडलाइन थे पेगासस के वो कैसे फिर यहाँ फुलफिल हुए? तो NSO है जो वहाँ के, उसने भी तो क्लैरिफाई किया कि हमने नहीं दिया है। तो आप ये कहते हैं कि पेगासस के नाम पे जो जासूसी वाला मामला वो है ही नहीं? वो है ही नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, इससे ज़्यादा क्या बोले। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, इस सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की जा सकती थी पार्लियामेंट में, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट के बाद उस पर चर्चा होती, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट फाड़ के डिसरप्ट कर दिया। अच्छा, पहली दफ़ा आप सदन पहुँचे थे, कैसा रहा पहला जो अनुभव होता है वो कैसा रहा? नहीं, पहली बार नहीं, मैं तीसरा बार था, लेकिन इस बार की बात, जब आप पहली बार नहीं, अच्छा रहा। मुझे पार्टी का एहसानमंद हूँ कि पार्टी ने मुझे पिछले सदन में एक घंटा तक, तीन बार मौका दिया, तीन बार मिला के मैं एक घंटा तक सदन पे बोला, कि अपने आप में नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बहुत बड़ी बात है कि पार्टी ने ऐसा मौका दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो लोगों को आगे करती है। और इस बार के माहौल के, लेकिन इस बार का माहौल, वो पिछले, वही कह रहा हूँ कि पिछला माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बार के जब गए तो मुझे एक लगा कि इतिहास के काले पन्ने में ये वक्त लिखा जाएगा। इसलिए कि जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज़ ने, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन पार्टीज रोल प्ले करने के बजाय उन्होंने डिसरप्टिव रोल प्ले किया, और जिस तरह से दिन में जाकर डांस गाना, सीटी बजाने का, और रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़ के पेपर फेंकने का, और मार्शल को हताहत करने का काम किया, वो ऐसा कभी इतिहास में, आज़ाद भारत में नहीं देखा गया था। राज्य सरकार पर बड़ी खफा है आप, क्यों? इसलिए कि राज्यसभा पर, राज्य सरकार पर हम खफा इसलिए कि हम तो जनता की आवाज़ है। जनता खफा है तो हम खफा रहेंगे, हम जनता की आवाज़ को बल देंगे, मजबूत करेंगे, उसकी गूंज को जो है वो CM आवाज़ से टकराए, और वहाँ के जो अंधी बहरी गूंगी सरकार जो है उसके कान में आवाज़ दे कि जनता त्राई त्राई कर रही है। यहाँ पर क्राइम रिकॉर्ड देखिए, कितना तेज़ी से क्राइम बढ़ रहा है। यहाँ पर दिन दहाड़े मर्डर होता है, दिन दहाड़े रेप होता है। यहाँ पर जो है हर चीज़ में प्रॉब्लम है, करप्शन बढ़ते जा रहा है, बिचौलिए जो है सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में हमारी सरकार के, हमारी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, धर्म है, हम उस धर्म का पालन करते हुए हम जनता के साथ खड़े होकर, एकजुट होकर उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि देवघर से 5 ट्रेनें चल गईं, गुड्डा से चल गईं, हजारीबाग
में लोग बड़े मायूस हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं, कुछ होगा इस बार? देखिए, मैंने पहली बार जब पार्लियामेंट में गया तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने जन्मभूमि से रिलेटेड उठाया। यहाँ के ट्रेन, चूँकि बचपन से मैं भी सुनता आता था कि ट्रेन आ रही है, आ रही है, आ रही है, लेकिन आई नहीं, तो हमने उठाया सवाल, इस पर काम चल रहा है। और मुझे पूरी यकीन है कि हमारे जो यहाँ से सांसद चुने हुए हैं जयंत सिन्हा जी, उनके हाथ को मजबूत करते हुए उनके द्वारा यहाँ पर ज़रूर जल्दी ट्रेन आएगी और यहाँ पर स्टेशन भी बढ़ेगा, यहाँ पर यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन आएगी, रुकेगी भी या जाएगी भी। झारखंड में कभी राजनीति करते लोग आपको देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि मेरा राजनीति का जो क्षेत्र है वो ये तो पार्टी डिसाइड करती है, लेकिन राजनीति का क्षेत्र मेरा उत्तर प्रदेश है। मैं उत्तर प्रदेश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। यहाँ इसलिए लगाव है सिर्फ हज़ारीबाग से, इसलिए कि मैं यहाँ जन्मा हूँ, यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, यहाँ से लगाव है, था और रहेगा, और इसलिए मैं यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के से चाहे कोई भी जीता हुआ सांसद हो, MLA हो, उसके हाथ को मजबूत, अपनी जितनी ताकत उसके साथ करूँगा, ये मेरा धर्म है और धर्म का पालन करता हूँ। अंतिम सवाल है, महंगाई पर सरकार को कितना नंबर दें? देखिए, महंगाई थोड़े दिन ज़रूर, अभी महंगाई बढ़ी थी और उसकी वजह भी है, सब लोग जानते हैं कि जब लॉकडाउन होता है और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, डिसरप्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, तो सप्लाई जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको तो इस्तेमाल हो जाता है, फिर बाकी नहीं बनता है, तो डिमांड बढ़ती है, तो उससे वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। लेकिन ये सब टेम्पररी था, जैसे जैसे देखिए लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, डिसरप्शन ख़त्म हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गए, सप्लाई शुरू हो गई, तो दाम भी कम होने लगे। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, चाहे तिलहन हो, दलहन हो, पेट्रोल प्राइसेस हो, सब में सबके दरें कम होंगी और ओवरऑल महंगाई जो है, जो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर कहा है कि 4+2% -2+2% मतलब 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5-2% के ऊपर होना चाहिए, उसी तरह को ध्यान में रखते हुए 4-7 सालों में 6.5 साल का एवरेज निकालिए तो आपको लगेगा कि हम 4% से नीचे थे, पहली बार 5-6% से ऊपर गया, लेकिन अभी 5.5% है। अब आने वाले दिनों में जो फोरकास्ट है उससे लगता है कि महंगाई दर कम होगी और मुझे उसकी पूरी उम्मीद है कि कम भी होगी। तो ये थे जफर इस्लाम, राज्यसभा सांसद हैं UP से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर जो राज्य स्तर का मामला हो या जिले का मामला हो, इन सब पर अपने बातों को रख रहे थे। विस्मय अलंकार लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।